हेलो फ्रेंड्स, दिस लेक्चर इज आल्सो अवेलेबल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इफ यू वांट टू वॉच इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन टेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते टू एवरीवन। दोस्तों, आज का जो लेक्चर का टॉपिक है वो एनालॉग टू डिजिटल मॉड्यूल्स प्रोग्रामिंग करेंगे। इसकी हम इन डेल्टा पीएलसी SV2 मॉडल हम यूज़ करेंगे। ये लेक्चर में हमारा 24 है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो में लर्निंग हासिल होती है तो इसको लाजमी लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ सेंसर एनालॉग होते हैं और कुछ सेंसर डिजिटल होते हैं। हमने लास्ट टाइम जितने भी प्रोग्रामिंग की है वो डिजिटल सेंसर की है, जिसमें ओनली 1 या 0 आउटपुट होती है, यानी कि 0 या 24 वोल्ट आउटपुट होती है। जबकि एनालॉग सेंसर लाइक प्रेशर ट्रांसमीटर है, हमारे पास एक एनालॉग सेंसर है, इसकी जो आउटपुट होती है वो 0 to 10 वोल्ट या 2 mA to 20 mA की होती है। तो ऐसे सेंसर को रीड करने के लिए हम स्पेशल मॉड्यूल यूज़ करते हैं, जिसको हम AD एनालॉग टू डिजिटल मॉड्यूल कहते हैं। तो ये डेल्टा PLC के जो मेन CPU होता है उसके साथ हम ये अटैच करते हैं। टू रीड द अबव सेंसर वी हैव टू यूज AD एनालॉग टू डिजिटल मॉड्यूल विद डेल्टा PLC। ये मैंने एक आपको ES2 मॉडल का बताया। ये इस तरह की शेप होती है, जिसमें चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2 और चैनल नंबर 3। इसमें हम 3 चैनल हैं, हम इसमें 3 सेंसर अटैच कर सकते हैं इस मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। तो अभी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, उसमें हम SV2 मॉडल यूज़ करेंगे, ठीक है। हम अपने VPL सॉफ्टवेयर पर आते हैं। VPL सॉफ्टवेयर में एक चीज़ आपको मैं, जैसे हमारी ES2 सीरीज़ है, इसमें आप देखें तो लास्ट में लिखा हुआ है कि जो हमारे स्पेशल IO मॉड्यूल्स हैं, जो आपको बताया कि IO मॉड्यूल हम यूज़ करते हैं, वो 8 हम स्पेशल IO मॉड्यूल कैन बी कनेक्टिंग। हम 8 मॉड्यूल इस साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब किसी भी सीरीज में बात करें, SS2 सीरीज़ की बात करें, तो इसमें भी इसने बताया हुआ है कि हम इसके साथ 8 स्पेशल मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी प्रोग्राम की तरफ आते हैं, तो इसलिए इसका बड़ा सिंपल वे है, हम कॉम्प्लेक्स वे की तरफ नहीं जाएंगे। एक सिंपल आइकॉन बना हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सिलरी सेटअप फॉर एक्सटेंशन मॉड्यूल्स, इसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप देखेंगे इसमें उसने नंबर दिए हैं 0 to 7। जैसे कि आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि 8 मॉड्यूल हम अटैच कर सकते हैं एक्सटेंशन मॉड्यूल्स, तो ये 0 to 7 मतलब 8 मॉड्यूल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हमारा पहला मॉड्यूल है वो 0 पॉइंट के ऊपर होगा। जो हमारा मेन CPU है उसके साथ जो अटैच करेंगे उसको हम 0 पॉइंट कहेंगे। तो इसमें जो भी हमारे पास जितने भी S2 सीरीज में जितने भी मॉड्यूल से शो किए हुए हैं, ठीक है, जो भी आपका मॉड्यूल हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जो आज हम मॉड्यूल वो कौन सा है, वो DVP04ADS2, ठीक है। इसका मतलब है कि AD मतलब एनालॉग टू डिजिटल मॉड्यूल है ये वाला, ठीक है। इसको हमने अटैच कर दिया और सेटअप में चले गए। सेटअप के बाद यहाँ पे कुछ उन्हें कमांड दी हुई है, इसको मैं आप अंडरस्टैंड करेंगे। पहली जो कमांड है वो मॉडल नंबर 1 है, ये इसका है मॉडल नेम। हम इसके थ्रू जो हमारा मॉड्यूल है उसका मॉडल नंबर लूम कर सकते हैं। सिंपल आप इसको रीड रजिस्टर करेंगे और इसके कोई भी कंडीशन लगा दें, हम M1 की कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। और जिस डाटा ये स्टोरिंग रजिस्टर है जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होगा, हमने D0 लगा दिया। इसको प्रीव्यू करते हैं, ठीक है। इसको हम ऐड टू लिस्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ये देखें, ये हमारा सिंपल, इसमें क्या होगा कि जो D0 पे क्या होगा, हमारी जो अभी जो हमने स्पेशल मॉड्यूल लगाया उसका नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। इसकी आपको मैं मज़ीद डिटेल बता दूँ, इसमें देखिएगा फ्राम M1 क्या है, नंबर फॉर स्पेशल मॉड्यूल। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमने K0 स्टार्ट किया था, जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे हमने जो किया वो क्या किया था, 0 पॉइंट यूज़ किया था, तो ये K0 उसका है, ठीक है। क्लोज कर लेते हैं। ये देखें, इसमें जो नंबर ऑफ स्पेशल मॉड्यूल कौन सा है, M1 K0 है, और नंबर ऑफ CR कंट्रोल रजिस्टर फॉर स्पेशल मॉड्यूल विल बी रीड,
ये भी हमने अभी आपको बताता हूँ ये के ज़ीरो क्यों आया है, ठीक है। और ये डी ज़ीरो जहाँ पे हमने डाटा स्टोर करना अपना, ये डी ज़ीरो है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और के वन के हमने डाटा जो है ना वो वन टाइम रीड करना है इसके ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वो सारी डिस्क्रिप्शन है, आप इसको रीड कर सकते हैं। आपको मैं ये के ज़ीरो ये क्यों आया अभी मैं इसका बता देता हूँ। इसको हमने ज़ीरो कर दिया, ये देखें ये ज़ीरो है, ये जो हमारे पास ज़ीरो है ये शो करता है इस नंबर को कि हम कौन से नंबर के इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, कि स्पेशल मॉड्यूल्स जो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मोस्टली हम इतना यूज़ नहीं करते हैं मॉडल नंबर को कि मॉडल नेम क्या है, इसका नंबर कौन सा है, तो वो इतना हमारे इतना यूज़ नहीं होता। तो जिस आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बता रहा हूँ कि क्यों हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपने आते हैं इनपुट मॉड्यूल की सेटिंग करते हैं। इनपुट मॉड्यूल की सेटिंग क्या होती है कि इसमें हम बताते हैं पीएलसी को कि हमने हमारे पास चार चैनल है, जिस तरह आपको बताया था कि इसके ऊपर चार चैनल है, ये वाले चार है, इसके हम ये कमांड करेंगे, ये इसके कोई भी कंडीशन लगा दें आप, 1000 लगा दें, ठीक है। तो चैनल वन में हम कौन सा रीड करना चाहते हैं, वोल्टेज या एम्पीयर, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हम ये एम्पेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे एम्पेयर लगा देगा, आपने वोल्टेज या कोई जो भी सेंसर है, जिस सेंसर की आउटपुट क्या है वो डिपेंड करती है कि वो वोल्टेज में दे रहा है या एम्पेयर में दे रहा है, तो आपने वहाँ पे सेटिंग करनी है चैनल वन करने के लिए, ठीक है। इससे आपने चैनल नंबर टू के लिए सेटिंग करनी है जो भी है आपके पास, ठीक है। ये आपने चार चैनल है इसके, चारों चैनल के एनालॉग टू डिजिटल हैं, ठीक है। आप उसका प्रीव्यू लेते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन बन गई इसकी, ठीक है। आपको सर भी ये क्या है इसकी एच हेक्सा वैल्यू से शो करेगा, ये वैल्यू इसने स्टोर की हुई है पीएलसी के अंदर। अगर मैं कोई भी इसमें चेंज करूँगा ना आपके सामने, ये देखिए, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है ना। इससे आप अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इसमें फोर चैनल में कोई भी आप अपनी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। इसको हम ऐड टू लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने एवरेज, ये हमारा एवरेज टाइम है इनपुट का और ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है ना। ये चैनल वन देखिए आप, चैनल वन में इनपुट है। जैसा कि हम जानते हैं कि एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू होती है कि जैसे भी हमारा सेंसर वैल्यूज दे रही है तो डेल्टा उसकी डेल्टा पी एल उसकी एवरेज लेगी, वो एवरेज शो करेगी। इसको हम रीड करते हैं, जो फ्रॉम की इंस्ट्रक्शन होती है मोस्टली वो रीड के लिए होती है कि हम डेल्टा पी एल सी कहीं से वो वैल्यू रीड कर रही है। तो ये सेंसर की वैल्यू क्योंकि रीड करनी है हमने, तो हम फ्रॉम की इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। तो इसलिए आप कोई भी कंडीशन लगा लें, M1000 लगा लें, 1000, ठीक है। और इसलिए आप कौन सी वैल्यू कहाँ पे हम लाइक हम D10 हम डाटा जो रजिस्टर है वहाँ पे वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो ये क्या लगा इनपुट जो हमारी एवरेज होगी, ठीक है, वो इसमें शो होगी। इसको हम प्रीव्यू ले लेते हैं, इसको हम ऐड लिस्ट कर देते हैं, यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। इसी तरह चैनल नंबर टू में, अगर आप चैनल नंबर टू यूज़ कर रहे हैं, इसको आप कर सकते हैं इसकी जो एवरेज इनपुट लेना चाहते हैं। ये एक है 12 इंस्ट्रक्शन कौन सी है, प्रेजेंट वैल्यू, इसमें ये एवरेज नहीं लेगा, जो वैल्यू वहाँ पे शो हो रही होगी वो वही शो करेगा आपकी पीएलसी के अंदर। तो सेम इसको हम रीड करेंगे, फ्रॉम की जो इंस्ट्रक्शन होती है वो रीड के लिए होती है। इसलिए आप कोई कंडीशन लगा लेते, ठीक है। आप सिर्फ कोई डाटा रजिस्टर जहाँ पे आपने अपनी वैल्यू स्टोर करनी है, मैंने 20 ले ली है। इसको प्रीव्यू करते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं, ये ऐड हो गया। इसमें K12 का मतलब क्या है कि ये 12वें जो नंबर की हमारे पास इंस्ट्रक्शन है वो यूज़ कर रहे हैं। 6 नंबर का क्या मतलब है कि हम 6 नंबर की जो होती है ना एवरेज इनपुट वो हमने यूज़ की है इसके लिए, ठीक है। सेम ये हमारी एवरेज इनपुट हो गई, ये हमारी एवरेज सॉरी ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई। ये हमारे एक होता है ऑफसेट, ऑफसेट का क्या मतलब होता है कि कोई भी जो हमारी पीएलसी डाटा रीड कर रही है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर देनी, इसको हम ऑफसेट कहते हैं। उसके लिए हमें 2 की कमांड करनी ये करनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए आप कोई भी कंडीशन लगा दें, वन थाउजेंड,
इसमें देखो, इसमें मैं सेट वैल्यू को मैं 1 शो करूंगा तो ये क्या 1.25 मिली वोल्ट, ठीक है। ये क्या करेगा कि आपके पास जो भी डेल्टा पीएलसी वैल्यू रीड करेगी वोल्ट में, उसमें ये 1.25 मिली वोल्ट ऐड कर देगा, ऑफसेट कर देगा इसको। ये मोस्टली इतना भी हम यूज़ नहीं करते, फिर भी आपको समझाने के कि ऑफसेट क्या होता है। मोस्टली हम प्रेजेंट वैल्यू यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसको भी हम प्रीव्यू लेते हैं इसका और इसको ऐड टू लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, इसके अंदर आप रीड ये जो होगी ये वाली, ये बताएगा कि इंस्ट्रक्शन जो हमारी है उसमें ये ऐड करनी है, और जो हमें रीड करनी है वो हम इस रजिस्टर पे करेंगे। अगर मैं 30 करता हूँ यहाँ पे, इस पर प्रीव्यू लेता हूँ, ठीक है, वो ऐड लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये सिंपल चीज़ें हैं। अगेन आपको मैं रिपीट करता हूँ कि मॉडर्न नम नेम से हम जो हमारा स्पेशल मॉड्यूल है उसका जो नंबर है वो हम रीड कर सकते हैं। इनपुट मोड की सेटिंग होती है जो हमने ये सेटिंग करना सीखी है, ठीक है। और ये हमारा एवरेज इनपुट होती है, चैनल 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, वो डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ये प्रेजेंट वैल्यू जो वहाँ पे शो हो रही होगी, ये हमारा ऑफसेट वैल्यू है वहाँ पे शो हो रही होगी, ये मोस्टली हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। इसे हम ओके कर देते हैं तो ये सारा आपका प्रोग्राम बन गया, ठीक है ना। तो जो जो चीज़ हमने यूज़ की है वो आपके यहाँ पे, ये हमारा जो है 11200 ये इनपुट मोड सेटिंग है। यहाँ पे हमारा D10 के ऊपर K6 यूज़ किया हमने, इसमें क्या होगा D10 के अंदर हमारे पास एवरेज वैल्यू आएगी चैनल नंबर 1 की, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। इस यहाँ पे हमारा ऑफसेट वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। इस तरह की इंस्ट्रक्शन है, ये सिंपली प्रोग्राम बन गया है। इसे हम कंपाइल करेंगे तो इसमें वो कोई भी एरर शो नहीं करेगा। इसको अपने PLC में आप लोड करें और आप कोई भी सेंसर यूज़ कर सकते हैं जो एनालॉग हो, उसकी आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे रीडिंग करना शुरू होगी D10 पे, D20 पर, ठीक है। ये हमारा पास का लेक्चर था। अगर आपको इसमें कोई भी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रह करके पूछ सकते हैं। ओके बाय।